नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सेंधा नमक के फायदे त्वचा के लिए के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। स्त्री हो या पुरुष, हर इंसान यही चाहता है कि उसकी त्वचा एकदम निखरी और बेदाग हो। दाग धब्बे और पिंपल्स से भरी त्वचा किस इंसान को अच्छी लगती है? ऐसे में यह लगता है कि मानो कील मुंहासों या दाग धब्बों ने खूबसूरती को छीन लिया हो। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो आज हम आपको ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप त्वचा से संबंधित हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। उससे पहले आपको सेंधा नमक के बारे में पता होना चाहिए। अगर जानते हो तो आप सेंधा नमक के द्वारा आप अपनी त्वचा को सुंदर और बेदाग बना सकते हैं, क्योंकि इसमें त्वचा को निखारने और बेदाग बनाने के राज मौजूद है। जब आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तब आपकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं होता। इसके साथ ही यह डेड स्किन को चेहरे से निकालकर एकदम नेचुरल तरीके से खूबसूरत बनाने का काम करता है। सेंधा नमक एकदम नेचुरल होता है। इसका उपयोग आप स्क्रब के रूप में भी कर सकते हैं। यहाँ यह स्किन को किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुँचता। वहीं आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसका इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा को कई समस्याओं से निजात मिलती है। तो चलिए जानते हैं सेंधा नमक का इस्तेमाल त्वचा के लिए किस प्रकार किया जा सकता है। सेंधा नमक के फायदे त्वचा के लिए। सेंधा नमक और शहद त्वचा के लिए। सेंधा नमक को अगर शहद के साथ इस्तेमाल किया जाए तो आपकी त्वचा पर चार चांद लग जाते हैं। इसका इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा एकदम से निखरने लगती है। यह नॉर्मल स्किन के लिए काफी सही रहता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सेंधा नमक लें और इसमें कुछ बूंदे शहद की डालें। फिर इसे अच्छी तरह से मिलाकर इसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर लगाएं और सूख जाने के बाद इसे साफ पानी के साथ धो लें। इस प्रकार करने से आपके चेहरा एकदम निखर कर सामने आएगा। इसका इस्तेमाल आप सप्ताह में 2 या 3 बार कर सकते हैं। इसका बेहतर परिणाम आपको कुछ ही हफ्तों में देखने को मिलेगा। सेंधा नमक और बादाम का तेल। अगर आपकी ड्राई स्किन है तब आपके लिए सेंधा नमक और बादाम का तेल काफी बेहतर रहता है। इसके लिए आपको सेंधा नमक और बादाम के तेल को मिलाकर एक पेस्ट तैयार करना होता है। अगर आप चाहे तो आप बादाम का तेल के स्थान पर जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इस पेस्ट को सही तरीके से अपने चेहरे पर लगाएं और थोड़ी देर चेहरे पर लगा रहने दें, और बाद में अपना चेहरा पानी के साथ साफ कर लें। ओटमील के कॉम्बिनेशन के साथ। ओटमील का स्क्रब ऑयली स्किन के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक बाउल में सबसे पहले सेंधा नमक डालना है और फिर ओटमील डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। इसके साथ ही आप इसमें नींबू का रस और बादाम का तेल भी मिला सकते हैं। फिर इस स्क्रब को अपने चेहरे पर हल्के हाथों से लगा लें और कम से कम इसे 15 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें। इसके बाद इसे गुनगुने पानी की सहायता से धो लें। नींबू और सेंधा नमक का स्क्रब। नींबू और सेंधा नमक का स्क्रब आपके चेहरे से मुहासे, डेड स्किन, ब्लैकहेड्स के लिए मददगार है। नींबू और सेंधा नमक से चेहरा एकदम साफ हो जाता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए एक बाउल में सेंधा नमक और उसमें कुछ बूंदे नींबू का रस मिलानी है। जब यह पेस्ट तैयार हो जाए तब इसे अपने चेहरे पर गोलाई में घुमाएं। इस स्क्रब का इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।